असलम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल एट गुड। स्टूडेंट्स, जो आज हम लोगों ने पेपर नंबर 12 करना है रिवाइज, जो हमारे पास है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। और इसमें जो बेटा हम लोगों ने टॉपिक जो मैंने सबसे पहले आपके लिए चूज़ किया है वो है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। आपको पता होगा हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर जो है ना, असल में ये एक पार्ट होता है स्फेयर का, ठीक है। जैसे नीचे आपको बना नज़र आ रहा है, दो बने हुए मिरर, एक बना हुआ है कनकेव, एक बना हुआ है कन्वेक्स, ठीक है। अगर आप देखें ना, ये पूरा हमारे पास एक स्फेयर का एक पार्ट है हमारे पास, ठीक है। पूरा एक स्फेयर बेटा, हम इसको हम अगर काट लें ना, जो हमारे पास बनेगा ना पार्ट, दैट इज कॉल्ड मिरर्स, ठीक है। हम यहाँ कहते हैं कि अ मिरर हुज वन एंड इज पॉलिश एंड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। एक एंड क्या होती है, पॉलिश होती है और रिफ्लेक्टिंग होती है, और ये बना होता है बेटा ग्लास से या प्लास्टिक से मिल के, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, कह रहे हैं अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल स्फेयर मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। और बेटा इन स्फेरिकल मिरर्स में ना बेटा एक साइड क्या होती है, कर्व होती है, और उसको बेटा हमने कोट किया होता है थिन लेयर ऑफ सिल्वर से, ठीक है। दोनों में से ना एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, किसके साथ, थिन लेयर ऑफ सिल्वर से, और बेटा उसको हमने कोट किया होता है रेड लेड ऑक्साइड पेंट के साथ, ठीक है। थिन लेयर ऑफ सिल्वर होती है एंड फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। पर ये हमारे पास होता है स्फेरिकल मिरर्स। मैं दोबारा से बता दूं कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर एक पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बेटा। ये पार्ट होता है हमारे पास किसी भी स्फेयर का, हॉलोस्फेयर का, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ द हॉलोस्फेयर एंड वो बेटा ये बना होता है ग्लास से या प्लास्टिक से मिलके, और इसको बेटा बोलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर्स। और इसके ऊपर जो ना हम लोग थिन लेयर ऑफ सिल्वर की हमें चाहिए होती है, उसके साथ लगा होता है रेड लेड ऑक्साइड पेंट। बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं मिरर्स। वैसे बेटा हमारे पास मिरर की बहुत टाइप्स हैं, लेकिन आपकी बुक में बेटा दो तरह के मिरर्स को एक्सप्लेन किया गया है। एक हमारे पास कन्वेक्स मिरर्स क्या होते हैं, और एक हमारे पास कनकेव मिरर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर वो होता है जिसकी इनसाइड जो है ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और पॉलिश हो, ठीक है। अ मिरर हुज इनर कर्व सरफेस, ठीक है, ऐसा मिरर जिसकी इनर कर्व सरफेस जो है वो पॉलिश हो और लाइट को रिफ्लेक्ट करे, बेटा उसको बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर, ठीक है। और मुझे होता है ना हमारे पास कन्वेक्स मिरर, बेटा उसकी आउटर कर्व सरफेस क्या होती है, पॉलिश होती है और लाइट को रिफ्लेक्ट करी होती है, ठीक है। तो बेटा ये आप देख रहे हैं आप लोगों को ना, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों को। ये आप देखें ना, लिखा हुआ है अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। एंड बेटा कनकेव मिरर में जो ना हमारे पास साइज डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज इज डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा इसमें वर्चुअल इमेज बनता है हमारे पास और रियल इमेज, बोथ इमेज कैन बी फॉर्म इन कनकेव मिरर्स। जो होता है कन्वेक्स मिरर, बेटा उसकी आउटर कर्व सरफेस क्या होती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और उसमें बेटा हमारे पास जो है ना हमेशा स्मॉल इमेज बनेगा, ठीक है। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा आपने देखा होगा जो होते हैं ना बेटा गाड़ियों के साइड मिरर्स, ठीक है, बेटा वो होते हैं हमारे पास कन्वेक्स होते हैं, ताकि उसका इमेज स्मॉल बने और हमें जो है ना काफ़ी बड़ा डिस्टेंस का हो जाए हमारे पास वो कवर हो जाए, ठीक है, हम इजीली जो है वो पीछे से देख सकें कितना ज़्यादा हमें वाइडर भी मिले, ठीक है। बेटा कनकेव कन्वेक्स में बेटा हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बेटा बनता है हमारे पास, ठीक है। बेटा फिर ये कुछ हमारे पास जो ना मिरर्स की टर्मिनोलॉजीज हैं। एक हमारे पास पोल क्या होता है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। बेटा पोल क्या होता है, ये तो ना हमारे पास ये मिड पॉइंट, मैं हमारे हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये मिड पॉइंट जो होता है ना, द मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस दैट इज कॉल्ड पोल। बेटा इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। और बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो ना मिरर हमारे पास, बेटा मिरर का सेंटर पॉइंट या नज़र आपको ना सी नज़र आपको आ रहा होगा, मैं यहाँ हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये बेटा सी वाला, ठीक है, डैट सी पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके बेटा। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकिन हम पोल लग डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, बेटा इसको बोलते हैं हम लोग जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये नेक्स्ट पे भी लिखा होगा हमारे पास, ठीक है, देखिए लिखा हुआ, इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, डैट इज़ का रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर बेटा हम लोग पढ़ेंगे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस का होती है, ये बेटा एक लाइन हमारे पास है, इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है, इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा फोकल लेंथ क्या होती है, सॉरी
प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? मेरा प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर का और होता है और कनकेव मिरर क्या होता है कुछ और होता है। जैसे बेटा आप नीचे देखें ना, ये डायग्राम जो बनी हुई हमारे पास, ठीक है बेटा डायग्राम आप नीचे बता रहा हूँ आप लोगों को, डायग्राम जूम करके ना बेटा देखें, ये दो डायग्राम आप बनी हुई है बेटा हमारे पास, ठीक है बेटा। ये जो है ना हमारे पास, ये जो डायग्राम ए है और एक डायग्राम बी है, बेटा देखें रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, और बेटा रिफ्लेक्ट करके ना एक पॉइंट को मीट कर रही है, रेज ऑफ लाइट आ रही है और फिर रिफ्लेक्शन टू मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये बेटा इन केस ऑफ कनकेव है, लेकिन इन केस ऑफ कन्वेक्स बेटा रेज ऑफ लाइट आ रही हैं डाइवर्ट्स कर रही हैं, और हमने सपोज किया कि रेज ऑफ लाइट आगे जाएंगी और यहाँ आगे करेंगी मीट करेंगी, तो इनका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होगा, बिहाइंड में होगा बेटा। इसलिए बोलते हैं हम लोग कि कनकेव मिरर जो होता है ना बेटा हमारे पास, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और जो कन्वेक्स होता है बेटा उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है बेटा। वो इसलिए क्योंकि उसमें पीछे रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं, उसमें बेटा फ्रंट में रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं। यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा अरमगान आप जो है क्या कह रहे हैं आप, ठीक है बेटा ना आप इस तरह लाइन लगाएं, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ट्स टू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और जो था बेटा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू बिहाइंड द जो है ना लेंस, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स इज डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा। कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड में जाके मीट करती हैं और कनकेव मिरर में फ्रंट में जाके मीट करती हैं। तो बेटा कनकेव मिरर का हमारे पास होती है फोकल लेंथ पॉजिटिव और कन्वेक्स की क्या होती है, नेगेटिव। बेटा फोकल लेंथ क्या होता है, वो डिस्टेंस बिटवीन है प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस लेके पोल डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा, बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। बेटा फोकल लेंथ का बेटा फार्मूला होता है हमारे पास एफ बेटा होता है हमारे पास आर डिवाइडेड बाय टू। बेटा ये हमारे पास कुछ लेंस की टर्मिनोलॉजीज थी बेटा, कि किसी बच्चे को ये स्फेरिकल मिरर्स और इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में कोई मसला हो बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक जा रहा हूँ रिवाइज करने के लिए आपको। बेटा अपना हैंड रेज अप कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को किसी प्रॉब्लम आई हो बेटा, किसी जो है ना उसमें बेटा अपना आप हैंड रेज करें। यस बेटा अनस आपको मसला है कुछ, आपने माइक ऑन किया, ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया। बेटा अभी हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट बेटा, वो हमारे पास है कि वैसे बेटा हमारे पास इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल फार्मूला है, मतलब बेटा इस फार्मूले की हेल्प से बेटा मैंने बताया भी था आपको कि बेटा हम लोग जो है वो तमाम लोग ना बता सकते हैं हमारे पास इमेज कहाँ पे बनेगा, उसका जो है ना फोकल लेंथ क्या होगी, और बेटा तमाम मैंने आपको क्लास में डिटेल में बताया था कि वन ओवर एफ होता है वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू, और बेटा जो है ना एफ हमारे पास बेटा एफ होती है हमारे पास फोकल लेंथ, और पी का था बेटा हमारे पास पी था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और क्यू का था बेटा हमारे पास ये था हमारे पास जो है वो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और बेटा फिर मैंने आपको लिखवाया भी था वहाँ पे कि किस केस में हमारे पास एफ पॉजिटिव है एफ नेगेटिव है, पी कब होगा हमारे पास पॉजिटिव पी कब होगा हमारे पास नेगेटिव, और क्यू कब होगा पॉजिटिव और क्यू कब होगा हमारे पास नेगेटिव। बेटा क्यू है होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो बेटा देखिए ना यहाँ पर मिरर फार्मूला इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, अब पी क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्यू एंड फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द मिरर, तो वन ओवर एफ होता है हमारे पास वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। तो बेटा ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, और जो है ना बेटा ये अब पता था मैंने आपको कि जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उससे लेके पोल तक डिस्टेंस उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो होता है पी हमारे पास, और जहाँ उसका इमेज बन रहा है उसके लेके डिस्टेंस पोल तक दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा मैंने बताया था कि एफ हमारे पास कब होगा पॉजिटिव कब होगा नेगेटिव, तो हमने कहा था कि एफ जो है वो कनकेव मिरर केस में, फॉर कनकेव मिरर एफ होता है पॉजिटिव एंड फॉर कन्वेक्स मिरर वो क्या होता है बेटा हमारे पास इट्स नेगेटिव, और बेटा क्यू हमारे पास होता है पॉजिटिव जब बेटा हमारे पास इमेज बने फ्रंट पे, और क्यू होता है बेटा हमारे पास नेगेटिव जब इमेज कहाँ बने बिहाइंड में, और पी बेटा पी हमारे पास उस टाइम होगा नेगेटिव जब कहेंगे कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। ये बेटा आपने न्यूमेरिकल्स किए थे, मैंने भी आपको बहुत डिटेल में न्यूमेरिकल्स करवाए थे इसके, दूसरी क्लास में करवा चुका हूँ आपको, तो बेटा ये आपने वहाँ से इस इन्फॉर्मूले को बेटा आपने दोबारा से देखने अपनी कॉपी खोल के, और बेटा न्यूमेरिकल्स आपने दोबारा से देखने हैं, मैंने बताया भी था आपको कि इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेटा अक्सर पेपर में आ जाते हैं न्यूमेरिकल ना, इसमें से लॉन्ग और तो कोई नहीं आता, तो न्यूमेरिकल लॉन्ग में वो लाजमी लेते हैं,
तो बेटा ये इसके जो 10 12 मेगल थे हमारे कोर्स में, वो बेटा आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके चलिए बेटा, आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है कि जो है ना मैंने जो करवाना है रिवाइज आपको, वो बेटा मैंने करवाना है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कि रिफ्लेक्शन बेटा कौन कौन से हमारे पास लॉज हैं। बेटा दो लॉज हैं हमारे पास रिफ्लेक्शन के। बेटा एक लॉ तो पहले पता है आपको कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। और नेक्स्ट लॉ क्या था? नेक्स्ट लॉ को बेटा हम लोग स्नेल लॉ भी बोलते हैं, कि रेशो किसकी, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्नेल लॉ। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग वे साइन आई और साइन आर इज नोन एज इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो साइन आई ऑफ साइन आर इज एन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ। तो बेटा ये स्नेल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ये आप इसकी डेफिनेशन मेरा याद बेटा कर लेनी है। बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बता दें, आप हैंड रेस कर लें, मैं बेटा उसकी प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा। अगर बेटा कोई ऐसे टॉपिक्स जिनमें जो मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाए उनमें आपको कोई मसला है तो बेटा मुझे बता दें बेटा, अदरवाइज मैं आपको बेटा टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है बेटा। अगर इसके अलावा आपको कोई पीछे टॉपिक्स हैं जो आपको बेटा समझ नहीं आए, बेटा आप हैंड रेस कर सकते, मुझे बेटा बता सकते हैं, बेटा मैं आपको वो टॉपिक बेटा समझा दूंगा। ठीक है बेटा, इफ़ एनी वन हैव प्रॉब्लम इन टॉपिक्स रिलेटेड बेटा जो मैंने रिवाइज नहीं करवाए, तो आप बेटा अपना हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं बेटा। यस बेटा, रमजान मुसीम आपने हैंड रेज किया सर, वो पी जो होता है वो इमेज का होता है या ऑब्जेक्ट का होता है? बेटा पी पहले आता है ना, तो पी बेटा होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, पी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड बेटा क्यू बाद में आता है, तो क्यू होता है बेटा इमेज डिस्टेंस। ये आप देखें ना बेटा फार्मूला दोबारा देखें ना, आप यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप जो लिखा है ना ब्लू बॉक्स उस पर रीड करें ना आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है पी और इमेज डिस्टेंस क्या होता है मतलब क्यू होता है वो। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, अभी बेटा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है बेटा, मैंने बताया था आपको कि देखें ये रेज ऑफ बेटा एक होती है हमारे पास डेंसर मीडियम, एक थी हमारे पास जो है वो रेयर मीडियम। हमने कहा था कि जब रे ऑफ लाइट जो है ना मूव करेगी डेंसर से रेयर में, ये बेंड करेगी। ठीक है, और अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा और बढ़ेगा, एक ऐसा एंगल आएगा जब ये बनाएगी 90 विद द जो है ना नॉर्मल, तो डैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। हमें पढ़ा था ना कि हमारे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द रे रिफ्लेक्टेड टू बेंड टू 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बेटा अगर हम लोग ना 90 से क्रिटिकल एंगल से हम एंगल बढ़ाएंगे तो बेटा कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, तमाम लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गए ना फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाएगी, तो डैट फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखा हुआ है कि वैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन क्रिटिकल एंगल नो रिफ्रैक्शन अकल्स, द एंटायर लाइट बाउंस बैक इन टू द फर्स्ट डेंसर मीडियम, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, तो ये बेटा हमारे पास क्रिटिकल एंगल डिफ्रेक्शन बेटा हमारे पास है एक यहाँ से और एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। वह दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिए हैं, तो ये बेटा आप लोगों ने याद करनी है इसको। ओके बेटा, इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो टॉपिक था ये रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म है। बेटा यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। ठीक है, वो अब यहाँ पे मैंने आपको हेल्प को बताया था, यहाँ पे आपको ना मैंने बताया था हमारे पास कि इन केस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, उन्होंने पढ़ा था कि इन केस ऑफ प्रिज्म हमने कहा था द इमर्जिंग रे एफ एस इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंस रे बट इज डेविएटेड बाय एन एंगल विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, आपको मैंने डायग्राम भी बनाई थी क्लास में, और मैंने बताया भी था कि ये आप डायग्राम नहीं आपने लाजमी बनानी है साथ, और ये बेटा आपने याद भी करना है एंगल ऑफ डेविएशन भी और डिफाइंड प्रिज्म भी। बेटा इसके अलावा हमारे पास लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज हमने पढ़ा था एक ट्रांसपेरेंट कोई भी मीडियम कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और जो है ना जिसकी एटलीस्ट वन साइड क्या होती है कर्व होती है। ठीक है, हमने कहा था लेंस है ट्रांसपेरेंट मटीरियल और बेटा जिसकी दो हमारे पास सर्फेसिस होती हैं और जिसमें से एक क्या होती है बेटा हमारे पास कर्व होती है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा मैंने बताया था आपको कि जो है ना हमारे पास लेंजेज, ठीक है
बेटा हमारे पास लेंजेस की बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है, और बेटा इसको हम यूज़ भी बेटा ऐसे बहुत हैं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसको कैमराज में, आई ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स में, प्रोजेक्टर्स बेटा, ये आल्सो दे आल्सो एनेबल मिनी मिलियंस ऑफ पीपल टू सी क्लियरली एंड रीड कम्फर्टेबली। और बेटा टाइप्स बहुत सी हैं, लेकिन बेटा हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक पर था हमने कनकेव लेंस और एक पर था हमने कन्वेक्स लेंस। बेटा कन्वेक्स लेंस का हमने कहा था कि ऐसा लेंस जो है ना जो रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर दे, उसको कहा था हमने कन्वेक्स होता है, और कनकेव वो होता है जो रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ट कर दे, ठीक है। और फिर बेटा हमने इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर वगैरह, और नेक्स्ट बेटा फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ वगैरह, मैं तमाम चीज़ें आपने बेटा पढ़ी हुई हैं। तो बेटा ये आपने एक दफ़ा इनको भी आपने रिवाइज करना है, ओके बेटा। इसके अलावा जो हमारे पास पावर ऑफ लेंस था, हमने कहा था कि पावर ऑफ लेंस को हम बोलते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। पावर क्या होती है, 1 आवर f इन मीटर्स, और दो s आर यूनिट ऑफ पावर क्या होता है हमारे पास, डाइपर्चर होती है, और 1 डाइपर्चर क्या होता है हमारे पास, 1 मीटर माइनस 1, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है। द एस आर यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डाइपर्चर यूनाइटेड बाई डी, एंड इफ एफ इज एक्सप्रेस मीटर, सो 1 डाइपर्चर क्या होता है, 1 मीटर माइनस 1। तो बेटा ये आपने डाइपर्चर को भी याद करना है। तो यही हमारे पास कोर्स था इस चैप्टर में से। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल्स बेटा शामिल थे। तो मैंने बताया था कि आप लोग न्यूमेरिकल्स बेटा आप खुद करोगे, मैं तो नहीं करूँगा न्यूमेरिकल्स आपको दोबारा वापस, और क्वेश्चन बेटा कुछ आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल भी कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ठीक है। बेटा ये जो डेफिनेशन में लिखी हुई है ना बेटा, आप लोग एक बात याद रखें कि इस तरह बेटा डेफिनेशन ज़्यादा आएंगी ऑलमोस्ट ना, तो बेटा आपको हर चीज़ की डेफिनेशन तो बेटा आपको ज़ुबानी याद हो, ठीक है, और या मैं डेफिनेशन पता हो और साथ फार्मूला और साथ उसकी यूनिट, ठीक है, और अगर कोई डायग्राम है उसके रिलेटेड तो डायग्राम बेटा आपने लाजमी बनानी है पेपर में। जब मैं डायग्राम्स में बेटा एक अलग जाता है इम्प्रेशन टीचर के ऊपर, ठीक है, डायग्राम बेटा किसी के मुतलिक। अब बेटा जैसे आपके पास आ जाए व्हाट इज़ पावर ऑफ अ लेंस, तो पहले आप पावर लेंस को डिफाइन कर दें, फिर लिखें उसका फार्मूला लिख दें आप उसको, और फिर बताएँगे यूनिट क्या होता है उसकी डाइपर्चर। तो बेटा हर एक चीज़ जो ना आपने हेडिंग के साथ लिखनी है उसको, ठीक है। अगर आ जाए डिफाइनिंग क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल के लिए आप पहले डिफाइन करें और साथ डायग्राम बना दें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन नॉर्मल साथ क्या बने एंगल, बने एंगल 90 का। तो बेटा इस तरह आप इसको ना खूबसूरत बनाने के लिए आप इसको थोड़ी प्रेजेंटेशन भी आप अपनी सही करें, ताकि ये जो आपके मार्क्स जो है ना बेटा, वैसे जो कट जाते हैं ना फजूल में बेटा, वो मार्क्स आप ना कट पाएँ उसमें। ज़रा सी मेहनत से बेटा आपके बहुत से मार्क्स आ सकते हैं। आपने चीज़ें पढ़ी भी हैं, आपने पेपर भी दिया है इसका, अभी दोबारा से आपका एक प्री बोर्ड होगा इस पेपर का ना, या आप स्कूल ओपन होंगे, तो ये बेटा आपने इसको कर लेना सही तरह, ओके बेटा। किसी बच्चे को कोई रिव्यू क्वेश्चन में कोई मसला है, मैंने कहा बताया था आपको कल हम ये पढ़ेंगे, तो किसी को बेटा कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है बेटा मुझे बताएं, आप लोग बेटा मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ, और या कोई न्यूमेरिकल आपको बेटा मुश्किल लगता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेटा मैंने आपको बहुत डिटेल में ना आप खुद भी किए हैं गवर्नमेंट मेडिकल्स इसके ना, आप खुद तक लाए थे घर से। तो बेटा अगर किसी न्यूमेरिकल में मसला है आपको, किसी एक्सरसाइज क्वेश्चन में, किसी रिव्यू क्वेश्चन में बेटा अपना हैंड रेज करें, मैं आपको वो चीज़ बेटा आपको जो है समझा दूंगा, ताकि आपको जो है ना मसला जो है ना वो दूर हो जाए। तो बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग, इफ़ एनी वन हैव प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक बेटा प्लीज़ रेज हैंड। यस बेटा आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं बेटा, आप लोग किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो बेटा अपना हैंड रेज करें बेटा, मैं आपको वो टॉपिक आपकी वो कन्फ्यूजन बेटा दूर कर दूंगा मैं आप लोगों की। यस बेटा अपना हैंड रेज करें, जस्ट आप रेज हैंड करें और बेटा मुझसे पूछ लें आप लोग, जो चैप्टर नंबर 12 में इसके मिरर में मसला है, कहीं लेंजेज में मसला है, कोई न्यूमेरिकल में कोई मसला आपको आता है, कोई फार्मूला नहीं पता आपको, या किसी यूनिट नहीं पता आपको, बेटा अपना हैंड रेज करें। या कोई क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है मुझे बताएं बेटा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके बेटा। आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन कि आपको कन्फ्यूजन नहीं है। तो बेटा ये यस बेटा अनमगान आपने हैंड रेज किया। सर ये जो आखिरी वाले क्वेश्चंस हैं रिव्यू क्वेश्चंस, ये एएलपी में है कि नहीं बेटा? ए है तो बताना। नहीं बेटा, बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास ना, ये नहीं है, ये सिर्फ एक इसमें है क्वेश्चन हमारे पास, जो नज़र आपको आ रहा होगा ना 12.17, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये बेटा मैंने वो कभी भी लिखवाया भी था, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अलावा बेटा हमारे पास 12.19 क्वेश्चन है कि डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड राइट इज यूनिट आल्सो, ये बेटा हमने करवाया था, बाकी बड़े क्वेश्चन नहीं है। ये 12.17 और 12.19 ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे। सर
ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा। यस बेटा, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, क्लास अब खत्म हो रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।